वेलकम टू कंसेप्ट डिकोडर। आप सभी का कंसेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आपसे एक बुरी खबर डिस्कस करने वाले हैं कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज जो एग्जामिनेशन होती थी एसएससी जेई के थ्रू या फिर ईएससी के थ्रू से आती थी उसमें वैकेंसी, तो उससे लगभग 9304 सिविलियन पोस्ट, जैसे कि सिविल इंजीनियर के लिए ठीक है जो वैकेंसीज निकलते थे, ये सारे एबोलिश किए गए, रिजेक्ट किए गए। तो अब एसएससी जेई में बचेगा क्या, उसमें है ही क्या फिर? तो मेरा ये कहना है कि आप गवर्नमेंट अगर इस तरह से पोस्ट को हटाएंगे तो स्टूडेंट जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो कहां जाएंगे? अगर यहां से पोस्ट हटा रहे हो, जैसे आपने एसएससी जेई के साथ किया, इसी तरह से सेम ईएस के साथ कर दिया था पिछले साल, तो जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं वो कहां जाएंगे? समझ रहे हैं? इनका कहना क्या था इस पोस्ट को हटाने से पहले? उनका ये कहना था कि जितने वैकेंसीज हैं, जितने इंजीनियर वगैरह हैं, उनको हर एक साल 300 करोड़ रुपया हमारा लागत लग जाता है सरकार का सैलरी वगैरह देने में, इसलिए अब इंजीनियर वो लोग नहीं लेंगे। अरे भैया, आपका 300 करोड़ रुपया लागत लगता है सैलरी देने में, लेकिन जरा सोचे आप लोग कि कितना सारा आए दिन घोटाला हो जाता है, 10-10 हजार करोड़ रुपया लेके भाग जाता है। उनको तो नहीं पकड़ते ये लोग, लेकिन भारत की जनता का मींस बुरा हाल करके रखे। हर एक पॉलिटिशियंस के पास कितना सारा पैसा है कि मत पूछिए, उनके पर्सनल उनका फंड देखोगे आप, एक एक एमएलए के पास 3-3 हजार करोड़ रुपया होगा, वो 5 साल में कमा लेता है। और भी आप बात कर रहे हैं 300 करोड़ का एक रीजनेबल रीजन दे रहे हैं कि 300 करोड़ रुपया लागत है एनुअली। अरे तो इतना तो एम्प्लॉयमेंट भी तो मिल रहा है, आप इतना इंजीनियर्स प्रोड्यूस ही क्यों करवा रहे हैं अपने देश में? अगर नहीं बनानी है वैकेंसी, नहीं देनी है जॉब, उतना कॉलेज ही मत दो ना, कॉलेज में एंट्रेंस ही तो रेस्ट्रिक्ट कर दो। ये बिजनेस, प्राइवेट कॉलेज, ये कोचिंग, ये सब चीज बंद करिए ना पहले, इन सब चीजों को परमिशन मत दीजिए। आप आईआईटी बढ़ाओ, गवर्नमेंट कॉलेजेस बढ़ाओ, या फिर प्राइवेट कॉलेज सभी को एबोलिश कर दो, जितने भी यूनिवर्सिटी वगैरह लगा के रखा है आपने, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एमईटी, आजकल कोई भी इंजीनियरिंग डिग्री दे रहा है, कोई प्लेसमेंट नहीं, कोई वैकेंसी नहीं स्टूडेंट की, खिसियाने वाली बात नहीं है, सोचने वाली बात नहीं है। इतने सारे स्टूडेंट प्रोड्यूस हो रहे हैं, नॉट ओनली इन सिविल इंजीनियरिंग, एनी फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, अब सारे के सारे लोग बेरोजगार हैं। आदमी करेगा क्या? एक चपरासी का नौकरी आता है उसमें भी लाखों में फॉर्म फिलअप होते हैं, वो भी प्रॉपर ग्रेजुएट की, भले इंजीनियरिंग का जो स्टूडेंट है वो शर्म से कभी फिल नहीं करे फॉर्म, लेकिन बीएससी वाले, एमएससी वाले, एमए वाले, वो लोग तो करते ही करते हैं, वो कहां जाएंगे? बहुत बुरी हाल है देश की। मेरा आप सभी से यही विनती है, आप जिस किसी भी एग्जाम की अभी फिलहाल तैयारी कर रहे हो, जिस किसी भी एग्जाम की फिलहाल आप तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम के लिए डेडिकेटली पढ़िए। आप ये मान के पढ़िए कि अब जब भी एग्जाम आप होगा आपकी, आपका एक पोस्ट उसमें पक्का है। दिन रात पढ़ो, 24 घंटा होता है तो 24 घंटा पढ़ो, ये तो इम्पॉसिबल है, लेकिन आप 16-17 घंटे, 15 घंटे, 14 घंटे पढ़िए, याद करिए चीजों को, पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप जितना मेहनत करोगे आप उतना एक्सेल होगे, उतना अपने आप में आप इंप्रूव करोगे अपने आप को, तो आपके सिलेक्शन होने की चांसेस अधिकतम हो जाएगी। नोट्स बनाइए पढ़ के, फालतू टाइम वेस्ट मत करिए, नोट्स बनाइए, नोट्स को याद करिए, पढ़िए, रिविजन करिए, क्वेश्चन जितना बन सकता है उतना बनाइए, नहीं क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारे ग्रुप पे आइए, व्हाट्सएप ग्रुप पे 7W8420353 गिवन है, हमसे क्वेश्चन पूछिए, आप सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड आप पूछ सकते हैं, है ना? सो अब पढ़िए बस। वेल, तो ये बुरी खबर थी, जस्ट आई वॉन्टेड टू शेयर यू ऑल ऑफ यू। वेल, थैंक यू वेरी मच, गुड लक।